गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास फोर्थ। आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज का और मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको हिंदी लैंग्वेज की सेकेंड नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है? किसी की राइटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। चैप्टर का नेम डाल देंगे, वाक्य, और साइड में प्रश्न उत्तर डालेंगे जैसे वीडियो में पढ़ा है। क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। किसी भी सेंटेंस को के दो भाग होते हैं। हमने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो ऐसे हिंदी में इसको कहेंगे उद्देश्य और विधेय, ठीक है? उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट लिखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भाग होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भाग होते हैं। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधात्मक निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक क्या है? जिन वाक्यों से हमको विस्मय प्रतीत होता हो, सुनकर हम विस्मित हो जाते हैं। जैसे आप कहीं से आए हो, अचानक से आपने देखा कि काला सर्प आ गया, तो आप एकदम अचंभित रह जाएंगे, ठीक है? संकेतवाचक, जब इशारों से बात की जाती है। संदेहवाचक, जहाँ संदेह उत्पन्न होता है। इच्छावाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और साधारण वाक्य। ओके, ये आप चैप्टर कंप्लीट करो। इसके बाद में आपको लिखना है फोर चैप्टर। चैप्टर फोर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार संज्ञा के कितने और दो भेद माने गए हैं? तो एक माना गया था समूहवाचक और दूसरा माना गया था द्रव्यवाचक। ओके, समूहवाचक संज्ञा का की परिभाषा लिखो। तो किसी समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ओके बच्चों, चैप्टर में आप लोग अच्छी राइटिंग में वर्क करिए और मुझे सेंड करिए वर्क करने के बाद में, ठीक है?